दोस्तों, अगर आपको भी अंडा बिरयानी खाना पसंद है और बनाने में दिक्कत आती है ना, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। चलिए अंडा बिरयानी बनाते हैं। इसके लिए हमने उबला हुआ अंडा लिया है 8 से 10। अंडों में लगा लेना है कट, ताकि जब इसे हम तले ना तो ये फटे नहीं। इसमें चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर नमक, और सारी चीज़ों को ना अंडे पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अंडों को साइड में रख देंगे और चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे हमने तेल को गर्म होने रख दिया था। तेल बढ़िया गर्म हो गया है, तो 2 प्याज को हमने लंबाई में काटा है, आप देख सकते हो वीडियो में। प्याज को डालकर ना गोल्डन ब्राउन होने तक ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया, इसे एक प्लेट में निकाल के और रख देते हैं साइड में। उसी तेल में डालेंगे अंडों को और इन्हें भी अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि बढ़िया सा अंडों में कलर ना आ जाए। तो दोस्तों, हमारा अंडा भी फ्राई हो गया है, अंडे में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया। इसे हम निकाल लेते हैं और हमारी कढ़ाई में आप देख सकते हो 2 से 3 चम्मच जितना तेल बचा हुआ है। इसी में हम जीरा और खड़े मसाले डालेंगे। जो भी आपके घर में खड़े मसाले हैं ना, आप एक दो करके डाल देना। 2 प्याज को लंबाई में काट के हमने डाला है, साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे जो बेसिक मसाले हमारे घर में होते हैं ना, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, 1 चम्मच भर के हमने इसमें बिरयानी मसाला डाला है, 2 टमाटर की प्यूरी और नमक स्वाद के अनुसार। सारे मसालों को डालने के बाद ना अच्छे से हम मसालों की करेंगे भुनाई। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। दोस्तों, मसाला भुन गया है, इसमें हम डालेंगे फ्राई किया हुआ अंडा। तो एक साथ हमें सारे अंडों को नहीं डालना, अभी हमने 4 अंडों को डाला है, बाकी का अंडा हमने रख लिया है। यहाँ पे हमने उबला हुआ चावल अंडों के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। 1 चम्मच मैंने मसाला निकाल लिया था भूनते समय, उसे भी मैंने चावल के ऊपर डाला है। फ्राई किया हुआ अनियन, बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना, चुटकी भर यहाँ पर हमने बिरयानी मसाला स्प्रिंकल किया है, और यहाँ पर 1/2 चम्मच जितना चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। और 1 चम्मच इसमें हम देसी घी भी डालेंगे और बाकी का उबला हुआ चावल डाल देंगे इसके ऊपर से। फिर से हम लेयर लगाएंगे और जो बाकी का अंडा है ना, उसे डालने के बाद हम 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्राई किया हुआ अनियन, बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना के पत्ते, और फिर से इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, चाट मसाला, बिरयानी मसाला, और आप चाहे तो इसमें चुटकी भर फूड कलर को घोल के भी डाल सकते हो। इसे कलर और देखने में हमारा बिरयानी बहुत अच्छा लगेगा। तो बिरयानी को कवर कर देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए ना बिरयानी में दम देंगे। तो 15 मिनट हो गया है और हमारा बहुत ही लाजवाब टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हो चुका है। इसे बनाइए दोस्तों और खाइए। और आज की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए कामत की रसोई को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों।